ससुराल में घर जमाई बनकर रहे। हाँ, ससुराल में घर घर जमाई बनकर रहे। ठीक है, अल्लाह में चले जाएंगे। ये जो आपका डायलॉग शुरू होगा सर, जिससे में खाना खा रहे थे खड़े हुए, देन से योर लाइन फाइव मूव आउट। अच्छा, ओके। ये कंटिन्यू बोलिए।
भाई वाह, ठंड में खाने का मजा कुछ अलग ही है। वैसे भी हर दो घंटे में भूख लगाती है और बस खाते जाओ और पचाते जाओ। आकाश नहीं हमारा आज का दिन तो एक्शन नहीं। इसीलिए जब तक घर नहीं मिलता तब तक चाचा जी और चाची जी यही रहेंगे आराम से हमारे साथ। क्यों चाची जी? नहीं बेटा, एक और बेटा दो। इसीलिए जब तक अच्छा सा घर ना मिल जाए तब तक चाचा जी और चाची जी यही रहेंगे हमारे साथ आराम से। क्यों चाची जी? नहीं बेटा, हम तो चाहते हैं कि कल परसों तक लखनऊ चले जाए। चाचा जी, ये घर भी तो आप ही का है, आराम से रहिए यहाँ पर। और आपने ये क्या जल्दी जाने की जिद पकड़ रखी है? आपको क्या हम लोगों का साथ अच्छा नहीं लगा? रो! एक बात कान खोल कर सुन लो पूनम। लखनऊ का कारोबार रहे या खाक में मिल जाए, मेरा आकाश कभी भी ससुराल में घर जमाई बनकर नहीं रहेगा। उसे चाहे सीतापुर से रोज लखनऊ आना जाना पड़े, ये मुझे मंजूर है, लेकिन अपने ससुराल में घर जमाई बनकर रहेगा ये मुझे मंजूर कतई नहीं है। तुम्हें स्वतंत्रता दी गई है इस घर में, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम जो चाहे बोलो और जो चाहे मनमानी करो। इस घर के वसूलों और इस घर के मर्यादा के दायरे में रहो पूनम। मुझे माफ कीजिएगा लेकिन इस बार मैं बाबूजी के फैसले के खिलाफ नहीं बोल सकता। बस ओके रे सर, फोकस चेंज कर दो प्लीज।